नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल ग्रुप के बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे और ये सोशियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम लोग शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल ग्रुप से। मैन इज़ अ सोशल एनिमल एंड ही कैनॉट लिव इन आइसोलेशन। वी ऑल लिव इन अ सोसाइटी, बट सोसाइटी इज़ अ टू लार्ज एंड एब्स्ट्रैक्ट टर्म। आवर सोशल इंटरेक्शंस आर लिमिटेड टू ओनली स्मॉल एंड मीनिंगफुल ग्रुप्स इन अ डेली बेसिस। Social group is a structure where two or more people interact with each other in a social interaction. Social groups are a basic units where human beings live, lead their life, and enter into meaningful interactions. Sociologists use the concept of social group in understanding the functioning of a human societies. देखिए, इंसान जो है यानी हम लोग जो है वो एक social animal है। हम लोग किसी भी सूरत में एक बेट पर नहीं रह सकते, एक आइलैंड पर नहीं रह सकते, आइसोलेशन में नहीं रह सकते। तो हमें समाज की ज़रूरत है और हमसे समाज बनता है, इसलिए समाज को भी पॉपुलेशन की यानी हमारी ज़रूरत है। वी ऑल लिव इन अ सोसाइटी, बट सोसाइटी इज़ अ टू लार्ज एंड एब्स्ट्रैक्ट टर्म। आप खुद ही इमेजिन करिए आपके समाज में कितने सारे लोग होंगे, लेकिन आप हर एक से मिलते हैं क्या? आपको हर एक के नाम भी पता नहीं होंगे। तो आपको जिन लोगों के नाम पता होंगे, उन छोटे छोटे हिस्सों को हम लोग बोलेंगे सोशल ग्रुप्स। एग्जांपल ले लीजिए, आपके दोस्त होंगे, उनके दोस्त होंगे, आप जिस ऑफिस के लिए जा रहे होंगे, आप जिस ट्रेन से जा रहे होंगे वहाँ पे आपके दोस्त होंगे, कलीग्स होंगे, और आप जिस कॉलेज में जाते होंगे, आप जिस स्कूल में रहे होंगे वहाँ पे आपके दोस्त होंगे। तो इन सभी को हम लोग बोलेंगे सोशल ग्रुप। और सोशल ग्रुप एक छोटी सी टर्म है, और सैकड़ों सोशल ग्रुप्स को अगर हम लोग इकट्ठा करेंगे, उनके दोस्तों को इकट्ठा करेंगे, तो एक समाज बनता है। तो हम लोग एक एनालॉजी ले सकते हैं कि सोशल ग्रुप एक ब्रिक है और हमारा समाज जो है वो पूरी बिल्डिंग है। जैसे ब्रिक्स का इस्तेमाल करके, ब्रिक्स को जोड़ के हम लोग एक बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक उसी तरह से छोटे छोटे सोशल ग्रुप्स को इकट्ठा करके, उनको ब्रिक की तरह रख कर हम लोग एक सोसाइटी बनाते हैं। Social group is a structure where two or more people interact with each other in a social interaction. ये इसका meaning हो गया। Social groups are a basic unit where human beings live, lead their life and enter into meaningful interaction. ये इसका definition हो गया। और sociologists use the term social groups in understanding the functioning of a human society. यानी मान लीजिए आप एक sociologist हो और समाज एक बहुत ही ह्यूज टर्म है, एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, आपको समझने में बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो अगर आपको समाज का स्टडी करना है तो आपको एक छोटे से हिस्से से शुरुआत करनी होगी, उससे रिलेटेड कुछ हिस्सा, उससे रिलेटेड कुछ हिस्सा। तो समाज को उन्होंने, सोशियोलॉजिस्ट ने, सोशल ग्रुप्स में बांट दिया और वन बाय वन हर सोशल ग्रुप की वो स्टडी करने लगे। इसी से कभी ना कभी पूरे समाज की वो स्टडी कर देते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल ग्रुप यानी एक्चुअल मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या लिखना है। अ सोशल ग्रुप इज सिंपली अ नंबर ऑफ पीपल हु इंटरैक्ट विद ईच अदर ऑन अ रेगुलर बेसिस। इट एस्टैब्लिशेस सोशल रिलेशनशिप अमंग द मेंबर्स ऑफ सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप्स आर द स्मॉल यूनिट्स ऑफ द सोसाइटी। हाउएवर द ग्रुप्स आर अ कॉन्क्रीट स्टेटस, आर अ कॉन्क्रीट टर्म, दे हैव अ कॉन्क्रीट स्टेटस, वेयर एज द सोसाइटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट एंड वेग टर्म। अ सोशल ग्रुप are a small and very convenient for a sociologist to analyze, hence the sociologist analyze the society as per the social groups. Social group basically kya hai? Social group un logon ka samuh hai jinko aap day to day basis pe interact karte ho, yani aapki society mein agar aap rehte honge to aapke padosi, आप अगर ट्रेन के लिए निकलते होंगे तो ट्रेन में आपके जो रहने वाला ग्रुप है या फिर बस में रहने वाला ग्रुप है उनको हम लोग सोशल ग्रुप बोलेंगे। आप जिस कॉलेज में जाते हो उनके, आप वहाँ पे आपके कोई दोस्त होंगे तो उनको हम लोग सोशल ग्रुप में इंक्लूड करेंगे। यानी ये आपका सोसाइटी का ग्रुप, ये आपका ट्रेन का ग्रुप या फिर बस का ग्रुप या फिर आप जिस भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते होंगे उसका ग्रुप, ये आपके कलीग्स, ये आपके कॉलेज के दोस्त, ये आपके स्कूल में रहे होंगे वो दोस्त। तो ये पर्टिकुलरली सोशल ग्रुप है, यानी उन लोगों का समूह जिनसे आप रेगुलरली इंटरेक्ट करते हो, जिनसे आप अटैच्ड हो। इट एस्टैब्लिशेस सोशल रिलेशनशिप अमंग द मेंबर्स ऑफ सोशल ग्रुप। यानी आपको एक अटैचमेंट रहती है सोशल ग्रुप के मेंबर के बारे में, जैसे कि आपको
आपके दोस्तों से, मतलब जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक अटैचमेंट होती है, इमोशनल अटैचमेंट होती है। सोशल ग्रुप्स आर द स्मॉल यूनिट्स ऑफ द सोसाइटी, हाउएवर द ग्रुप्स आर अ कॉन्क्रीट स्टेटस वेयर एज सोसाइटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट एंड वेग टर्म। तो सोसाइटी एक बहुत ही ह्यूज टर्म है, एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, और जिसको हम लोग को डिफाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग सोसाइटी को अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें, जिसको हम लोग सोशल ग्रुप बोलेंगे, तो वन बाय वन हर एक ग्रुप की स्टडी करके हम लोग पूरी सोसाइटी की स्टडी कर सकते हैं। तो सोसाइटी को कोई एक्चुअल कॉन्क्रीट स्टेटस नहीं है, लेकिन एक सोशल ग्रुप है, इसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, इसीलिए सोशल ग्रुप का एक कॉन्क्रीट स्टेटस है। सोशल ग्रुप्स आर स्मॉल एंड वेरी कन्वीनियंट फॉर अ सोशियोलॉजिस्ट टू एनालाइज, हेंस द सोशियोलॉजिस्ट एनालाइज द सोसाइटी इनटू सोशल ग्रुप। मान लीजिए आपके दोस्तों का समूह है या फिर ग्रुप है, तो आपके दोस्तों के मैक्सिमम कितने दोस्त होंगे एक ग्रुप में? यानी मान लीजिए आप ऑफिस में जा रहे हैं, तो आपके कलीग्स जिनको आप असल में दोस्त मानते हो, वो मैक्सिमम 5 से 10 होंगे। तो ये एक कॉम्पैक्ट छोटा सा ग्रुप हो गया, जिसकी स्टडी करने में एक सोशियोलॉजिस्ट को आसानी होती है। इसलिए जो सोशियोलॉजिस्ट होता है वो एक सोशल ग्रुप की स्टडी करता है, और हर एक ग्रुप की स्टडी करता है, इससे समाज बनता है। तो सोशियोलॉजिस्ट को भी आसानी होती है। अ सोशल ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ सोशल बीइंग्स विच आर बाउंड टू ईच अदर थ्रू सोशल रिलेशन। सोशल ग्रुप्स आर कॉल्ड सोशल ब्रिक्स ऑफ अ सोसाइटी। जस्ट एज द ब्रिक्स कलेक्टिवली बिल्ड अ बिल्डिंग, दीज ग्रुप्स कलेक्टिवली बिल्ड अ सोसाइटी। एवरी ह्यूमन बींग इज अ मेंबर ऑफ एटलीस्ट सम सोशल ग्रुप, एग्जाम्पल फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ऑफिस कलीग्स, ग्रुप्स इन ट्रेन्स एक्सेट्रा। अ सोशल ग्रुप इज डायनेमिक इन नेचर, विच मीन्स न्यू मेंबर्स कैन बी एडेड इन अ सोशल ग्रुप एंड ओल्ड मेंबर्स कैन लीव द सोशल ग्रुप। तो सोशल ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ सोशल बींग्स, और सोशल ग्रुप्स को मैंने जो ब्रिक्स की एनालॉजी दी थी, वही मैंने यहाँ पे इंग्लिश में एक्सप्लेन की है। एवरी ह्यूमन बींग इज अ मेंबर ऑफ एटलीस्ट सम सोशल ग्रुप। मान लीजिए आपका कोई दोस्त ही नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आप किसी भी सोशल ग्रुप के मेंबर नहीं होंगे। आप जिस फैमिली में पैदा हुए हैं वो एक सोशल ग्रुप है, आपके कोई रिलेटिव्स होंगे वो एक सोशल ग्रुप है, और आप जहाँ पे जाते हो उनसे अगर आप एक सिस्टमैटिक इंटरेक्शन करते हो डे टू डे बेसिस पे, तो वो भी एक सोशल ग्रुप माना जाएगा। भले ही वो आपके दोस्त ना हो, लेकिन एज अ ऑफिस कलीग इज़ अ टर्म फॉर अ सोशल ग्रुप। यानी एक कलीग, यानी बेशक आप दोस्त नहीं हो, लेकिन आप एक सोशल ग्रुप के मेंबर हो। तो हर एक इंसान एटलीस्ट सम सोशल ग्रुप्स का मेंबर ज़रूर होता है। तो सोशल ग्रुप्स का अगर आपको नेचर बताना है, तो उसको डायनामिक ये टर्म का इस्तेमाल करिए। अ सोशल ग्रुप इज डायनामिक इन नेचर। डायनामिक का बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट में मतलब क्या है, सोशल ग्रुप में नए मेंबर्स ऐड हो सकते हैं, पुराने मेंबर्स निकल सकते हैं। आप पार्टनरशिप फर्म का ही एग्जांपल ले लीजिए, आपको अकाउंट्स में डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म ये कॉन्सेप्ट हुआ होगा, जहां पे पुराने पार्टनर्स चले जाते हैं, और एडिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर ये भी कॉन्सेप्ट रहा होगा, जिसमें नए पार्टनर्स ऐड होते हैं। ठीक उसी प्रकार से नॉर्मली सोशल ग्रुप्स में भी नए मेंबर्स ऐड होते हैं, पुराने मेंबर्स कभी कभी चले जाते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप। आपको ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको जो मैंने बोल्ड पॉइंट्स किए हैं वो हेड पॉइंट लिखना है, और एग्जाम में उसको लिख कर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोशल ग्रुप, देर आर एटलीस्ट टू पीपल इन अ सोशल ग्रुप। ईच मेंबर इज कॉन्शियस फॉर हिज स्टेटस इन अ ग्रुप। ईच सोशल ग्रुप इज स्ट्रक्चरली ऑर्गेनाइज्ड। सोशल इंटरेक्शन इन अ ग्रुप टेक्स प्लेस विद अ मीनिंग एंड पर्पस। देर इज अ वी फीलिंग इन अ ग्रुप। ईच सोशल ग्रुप हैव सम कॉमन गोल्स एंड इंटरेस्ट। ईच सोशल ग्रुप हैव सम रूल्स एंड नॉर्म्स। यानी हर एक सोशल ग्रुप में एटलीस्ट दो पीपल रहेंगे, एटलीस्ट दो लोग रहेंगे। दो से कम अगर हुए तो सिर्फ आप हो, दो से कम ग्रुप बन ही नहीं सकता। तो देर आर एटलीस्ट टू पीपल इन अ ग्रुप। ईच मेंबर इज कॉन्शियस फॉर हिज स्टेटस इन अ ग्रुप। ईच सोशल ग्रुप इज स्ट्रक्चरली ऑर्गेनाइज। अ सोशल इंटरेक्शन इन अ ग्रुप टेक्स प्लेस विद अ मीनिंग एंड पर्पस। देर इज वी फीलिंग इन अ ग्रुप। ईच सोशल ग्रुप हैव सम सोशल कॉमन सोशल गोल्स एंड इंटरेस्ट। ईच सोशल ग्रुप हैव सम रूल्स एंड रेगुलेशन। यानी हर किसी को ग्रुप में कुछ ना कुछ कॉमन इंटरेस्ट होंगे। यानी मान लीजिए आप लाइब्रेरी में हैं
और आपका एक कॉमन स्टडी ग्रुप है। तो स्टडी ग्रुप का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें पढ़ना है और हमें एक दूसरे को पढ़ाई में मदद करनी है। तो ये इंटरेस्ट ग्रुप है, हर एक का एक कॉमन गोल है और इंटरेस्ट है। हर सोशल ग्रुप के कुछ रूल्स एंड नॉर्म्स होते हैं। मेरे ख्याल से आपको इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। आपके कॉलेज के दोस्त होंगे तो आपके भी कुछ कायदे कानून रहे होंगे ग्रुप के, हमारे तो रहे थे। टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी सोशल ग्रुप, दूसरा है सेकेंडरी सोशल ग्रुप, और यहाँ पे मैंने जो बोल्ड में हाईलाइट किया है वो आपको हेड पॉइंट्स लिखना है एग्जाम में, और यहाँ पे मैंने जो वन वर्ड में समरी लिखी है, वन सेंटेंस में समरी लिखी है, उसका इस्तेमाल करके आपको वो हेड पॉइंट्स एक्सप्लेन करने होंगे। यानी टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स में ग्रुप्स आर बेस्ड अपॉन साइज, स्ट्रक्चर, मेंबरशिप, मोटिव, एंटी सोशल ग्रुप्स, अनसोशल ग्रुप्स एंड सूडो सोशल ग्रुप्स। तो साइज का मतलब है ग्रुप्स बेस्ड अपॉन साइज में आते हैं। आपके ग्रुप में दो लोग होंगे तो उसको ड्यूओ बोला जाएगा, आपके ग्रुप में अगर तीन लोग होंगे तो उसे ट्रायो बोला जाएगा, और चार लोग होंगे तो क्वाड, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी अगर आपके ग्रुप में दो लोग हैं तो ड्यूओ। आपने हैरी पॉटर अगर फिल्म देखी होगी तो उसमें हैरी पॉटर, हरमाइनी ग्रेंजर और रॉन वीजली को गोल्डन ट्रायो बताते हैं, वो एक सोशल ग्रुप हुआ करता है। तीन लोग है उसमें, भले ही तीन लोग हैं लेकिन उसको एक ट्रायो नाम दिया जाएगा, लेकिन वो एक सोशल ग्रुप है। सो स्ट्रक्चर के हिसाब से ग्रुप्स बनते हैं, जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट एक स्ट्रक्चर है और उसका मेंबर होना यानी उस सोशल ग्रुप का मेंबर होना। लेजिस्लेटिव असेंबली एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का मेंबर होना यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सो ग्रुप इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर। मेंबरशिप की बात करते हैं, वॉलेंटरी मेंबरशिप। आपने पॉलिटिकल पार्टीज का तो नाम सुना ही होगा, अगर आपको उनका मेंबर बनना है तो वो एक वॉलेंटरी प्रोसेस है। या फिर आपने सुपरमार्केट्स का नाम सुना होगा, जैसे कि कॉस्टको, तो उनकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है, तो वो कंपल्सरी मेंबरशिप हो गई क्लब्स के बारे में या फिर सुपरमार्केट्स के बारे में। यहाँ पे कंपल्सरी मेंबरशिप होती है और वॉलेंटरी मेंबरशिप होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की। यानी अगर आप एक पर्टिकुलर मेंबर हो, आपको एक पॉलिटिकल पार्टी पसंद आती है, ज़रूरी नहीं है आप उसके मेंबर बनो, आप उसको बाहर से भी सपोर्ट दे सकते हो या फिर आप उसके मेंबर बन सकते हो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता। इसके बाद में मोटिव्स के हिसाब से भी सोशल ग्रुप्स डिस्कस होते हैं, टाइप्स बदलते हैं। यानी एनजीओज एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए एस्टेब्लिश किए जाते हैं, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अलग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती है, उनका जो पर्टिकुलर पर्पस होता है उसमें वो प्रॉफिट नहीं करना चाहते। अनसोशल ग्रुप्स यानी जो, यानी हम लोग बात कर सकते हैं जो कंस्पिरेसी थियरिस्ट जो है, जो लाइमलाइट में नहीं आना चाहते, इसको हम लोग बोलेंगे अनसोशल ग्रुप। और एंटी सोशल ग्रुप यानी जैसे कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, आईसिस, अलकायदा, हिजबुल एक्सेट्रा, ये एंटी सोशल ग्रुप्स है। और सूडो सोशल ग्रुप, जैसा कि आपको पता ही होगा, पॉलिटिशियंस का ग्रुप होता है, पॉलिटिशियंस किसी के सगे नहीं होते तो उसे हम लोग बोलेंगे सूडो सोशल ग्रुप्स। इसके बाद में आपको, आपने ये तो एक्सप्लेन कर दिया, अभी आपको प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप एक्सप्लेन करना है, इसके बाद में आपका सोशल ग्रुप का कॉन्सेप्ट खत्म होगा। सो प्राइमरी सोशल ग्रुप्स की बात करते हैं। प्राइमरी सोशल ग्रुप्स आर दोज ग्रुप वेयर द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप नो ईच अदर वाया फेस टू फेस इंटरेक्शंस। फीचर्स ऑफ प्राइमरी सोशल ग्रुप्स आर स्मॉल इन साइज, वी फीलिंग, कॉमन मोटिव, लॉन्ग लास्टिंग एंड इनफॉर्मल इन नेचर। एग्जाम्पल है फैमिली, फ्रेंड्स, ऑफिस कलीग्स, फ्रेंड्स इन ट्रेन। प्राइमरी सोशल ग्रुप्स यानी एक ऐसा सोशल ग्रुप जिसके मेंबर्स को हम लोग पर्सनली जानते हैं, फेस टू फेस जानते हैं, और हमारे मन में उनके बारे में एक अटैचमेंट है। ये जनरली स्मॉल इन साइज होते हैं यानी एकदम छोटे होते हैं। हर एक को एक वी फीलिंग होती है कि यार ये हमारा ग्रुप है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वी फीलिंग। हर एक का एक कॉमन मोटिव होता है, जैसा मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था लाइब्रेरी का, इंटरेस्ट ग्रुप का। यानी हर एक का कॉमन मोटिव है कि हम लोग को पढ़ना है और एक दूसरे को पढ़ने में मदद करनी है। इसके बाद में ये जो प्राइमरी सोशल ग्रुप्स होते हैं वो जनरली लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। आप अपना ही एग्जाम्पल ले लो, जब आप नर्सरी कक्षा में थे तो आपके जो दोस्त थे उनको आप भूले नहीं होंगे,
आप अभी तक उनसे टच में रहे होंगे, आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा, तो दीज ग्रुप्स आर जनरली लॉन्ग लास्टिंग एंड दे आर इनफॉर्मल इन नेचर। इसका एग्जाम्पल है फैमिली, फ्रेंड्स, ऑफिस कलीग्स, फ्रेंड्स इन ट्रेन एक्सेट्रा। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी ग्रुप्स के बारे में। सेकेंडरी ग्रुप्स आर द डेरिवेटिव ग्रुप्स एंड आर एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ प्राइमरी ग्रुप। ये सेंटेंस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको वर्ड टू वर्ड लिख देना। सेकेंडरी ग्रुप्स आर जनरली लार्ज इन साइज एंड आर फॉर्मल इन नेचर। सेकेंडरी ग्रुप्स आर टेम्पररी इन नेचर। तो इसकी बात करते हैं फीचर्स ऑफ सेकेंडरी ग्रुप। दे आर लार्ज इन साइज, नो वी फीलिंग, फॉर्मल इन नेचर, मेंबर्स डोंट नो ईच अदर एंड नॉट लॉन्ग लास्टिंग। तो सेकेंडरी ग्रुप एक एग्जैक्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट है। अगर आपने प्राइमरी ग्रुप के फीचर्स अगर याद कर लिए तो आपको ठीक उनका अपोजिट करना है, आपको सेकेंडरी ग्रुप्स के भी फीचर मिल जाएंगे। तो सेकेंडरी ग्रुप का बेसिकली मतलब क्या है, मान लीजिए आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की रैली में चले गए, आप हर एक को पर्सनली नहीं जानते, हालांकि आप एक कॉमन पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हो, लेकिन आप किसी को भी पर्सनली नहीं जानते, आपकी वहां पे किसी से बातचीत हो जाती है, फिर आप उसके मतलब आप उनको जानने लग जाते हो, तो वो है सेकेंडरी ग्रुप। लार्ज इन साइज जनरली, यानी मैंने पॉलिटिकल पार्टी की रैली का एग्जांपल दिया, वहां पे बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो दिस इज जनरली लार्ज इन साइज। देर इज नो वी फीलिंग, यानी आपको उनके बारे में कोई अटैचमेंट नहीं होता। दिस इज फॉर्मल इन नेचर, यानी आप किसी कॉन्फ्रेंस में चले गए, कन्वेंशन में चले गए, तो वहां पे जो माहौल होता है वो फॉर्मल होता है, और जरूरी नहीं है कि आप हर किसी को पर्सनली जानते हो। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की रैली में चले गए, कॉन्फ्रेंस में चले गए, कन्वेंशन में चले गए, अवार्ड फंक्शन में चले गए, आप किसी को पर्सनली नहीं जानते, बस आप एक उस चीज को अटेंड कर रहे हो, तो ये आपका एक कॉमन पर्पस है। दे आर जनरली नॉट लॉन्ग लास्टिंग, यानी आपका अवार्ड फंक्शन खत्म हो गया या फिर कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, फिर वो अपनी जगह चले जाते हैं, आप अपनी जगह चले जाते हो, सो दे आर नॉट लॉन्ग लास्टिंग। सो ये था आज का लेक्चर। आशा करता हूँ आपको ये सेकेंडरी ग्रुप का, प्राइमरी ग्रुप का और टाइप्स ऑफ ग्रुप का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।